गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर कैंसर से जूझ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उनका हालचाल जानने पहुंचे। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन इस बात पर बवाल तब खड़ा हो गया जब पर्रिकर से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने एक बयान दिया। राहुल गांधी ने अपने एक भाषण में पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा था कि मैं कल पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी से मिला था। उन्होंने खुद कहा कि डील बदलते समय प्रधानमंत्री ने देश के रक्षा मंत्री से सलाह नहीं ली गई थी। राहुल के इस भाषण में पर्रिकर का जिक्र आने के साथ ही राहुल पर्रिकर की मुलाकात पर सियासत तेज हो गई, जिसके बाद कैंसर पीड़ित मनोहर पर्रिकर ने राहुल गांधी को एक भावुकता से भरा खत लिखा है। मनोहर पर्रिकर ने इस खत में लिखा है कि बिना किसी पूर्व सूचना के आप मेरे स्वास्थ्य का हाल पूछने मेरे पास आए थे। दलगत भावना से ऊपर उठकर एक बीमार व्यक्ति का हाल जानना अच्छी बात है। आपका आना मुझे अच्छा लगा, लेकिन इस मुलाकात पर आपके बयान से मैं आहत हूँ। अखबारों में यह पढ़कर मुझे हैरानी हुई कि मैंने राफेल मुद्दे पर आपको कुछ बताया है। आपने कहा कि राफेल मुद्दे में मुझसे सलाह नहीं ली गई थी, जबकि ऐसा नहीं है। राहुल जी, मेरी और आपकी वह मुलाकात महज 5 मिनट की थी। उस दौरान राफेल विमान सौदे को लेकर ना तो आपने कोई जिक्र किया और ना ही मैंने उस पर आपसे कोई बात की। हमारी उस मुलाकात में राफेल को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई। मैंने सोचा था कि मुझे आपसे शुभकामनाएं मिलेंगी, साथ ही लोगों की बेहतर सेवा करने के लिए संबल हासिल होगा, लेकिन आपका इरादा कुछ और ही था। शिष्टाचार मुलाकात के बहाने झूठ पर आधारित बयान देना आपको शोभा नहीं देता। किसी बीमार और अस्वस्थ व्यक्ति से भेंट को अपने अवसरवादी राजनीति का शिकार बनाने के लिए मत रखिए। इस खत के बाद लोगों को मनोहर पर्रिकर की संवेदनाएं मिल रही है। वहीं इस मामले में खुद राहुल गांधी की सफाई भी सामने आ चुकी है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर कहा है कि गोवा में मनोहर पर्रिकर से मेरी मुलाकात निजी थी। मैंने आपसे बातचीत की कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की। आपकी चिट्ठी की वजह से मुझे सफाई देनी पड़ रही है। इस बात पर बेवजह विवाद खड़ा किया गया है। खैर, जो भी हो, बीमारी एक व्यक्तिगत क्षति है। इसे सियासत की चाशनी में डुबोकर सत्ता सुख पाने में कतई इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पता नहीं राजनेताओं को ये बात कब समझ आएगी। खबर अपडेट की रिपोर्ट।